यस हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोग को, वेलकम टू द चैनल। एंड आई होप दैट कि सबको जो है बेटा चीज़ें विजिबल हैं, एवरीवन कैन सी इट क्लियरली। यस जस्ट टेल मी वंस, वेरी गुड। तो वी आर डूइंग फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज बेटा आज के टॉपिक में, राइट? तो ये जो फिजियोग्राफी और ड्रेनेज का जो पार्ट है, बेसिकली बहुत सारे बच्चे लोग को इस चैप्टर में डाउट्स होते हैं, मतलब तो वन शॉट एक चैप्टर को हम एंड कर रहे हैं, ठीक है? वी आर टेकिंग दिस चैप्टर एज एन वन शॉट, और वन शॉट में इस टॉपिक को हम करेंगे बेटा वाइंड अप। यस ऑल आर रेडी? ओके चलिए भाई शुरू करें फिर आज के अभी के लेक्चर को, ठीक है? सो वी आर डूइंग फिजियोग्राफी इन द ड्रेनेज पार्ट बेटा, एंड एज आई टेल यू कि ये जो चैप्टर है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से एग्जाम में आते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट आई एम ऑडिबल टू एवरी वन। यस ओके आई एम ऑडिबल। चलो तो शुरू करते हैं बेटा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पार्ट हमारा, राइट? सो यस, अब सबसे पहले हम फिजियोग्राफी की बात करेंगे, तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ रहे होंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, राइट? फिर हम करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ जो है ब्राजील, देन वी लुक अबाउट द ड्रेनेज। बेटा यहाँ पे ड्रेनेज मतलब जो है वो हमारा ऐसा ड्रेनेज नहीं है, वी आर मेजरली लुकिंग ऑन द रिवर्स पार्ट, राइट? तो विच आर द मेजर रिवर्स इन इंडिया एंड विच आर द मेजर रिवर्स इन द ब्राजील, राइट? तो वो हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे आज के क्लास में। ओके सो ऑल आर रेडी फॉर दिस? चलो वेरी गुड। सो वी आर स्टार्टिंग विद बेटा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट? तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में बेटा अंडरस्टूड द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू फाइव मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। पांच पार्ट में हमने कंट्री को डिवाइड कर रखा है बेटा, जैसे कि आप ये सब देख सकते हो, ये हमारा इंडिया का मैप है जिसको हमने अपर पार्ट जो हमारा बेटा दैट इज आवर हिमालयन रीजन, नेक्स्ट आप देखोगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, नेक्स्ट हमारा पेनिनसुलर है जो मिडल पार्ट ऑफ इंडिया है, राइट? एंड द नेक्स्ट इज योर कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट बच के बेटा हमारे आइलैंड्स। ओके तो फिलहाल दो आइलैंड्स हैं हमारे पास, एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में। तो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में एक मेरे बैक साइड में होगा जो आपको नहीं दिख रहा होगा फिलहाल के लिए। ओके तो दो हमारे पास है, ठीक है? एक अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है? लक्षद्वीप इज इन अरेबियन सी, अंडमान निकोबार इज माई बे ऑफ बंगाल। इज इट क्लियर बेटा? चलो तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को विदाउट एनी डिले एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। तो तीन पार्ट हमें यहाँ पर कवर करने हैं, कौन सा? द हिमालयन, द नॉर्थ इंडियन प्लेन, द पेनिनसुला, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप्स, राइट? तो ये पांच हमारा जो बेटा क्या है, ये हमारी फिजियोग्राफी है, ठीक है? ये पांच हमारी क्या बेटा, फिजियोग्राफी। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला हम फिजियोग्राफी लेते हैं बेटा हिमालयन रीजन का। अब मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ आप बहुत ध्यान से सुन लो उसको, यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर वेरी क्लियरली, राइट? तो एग्जाम में आपको कैसे भी क्वेश्चन आते हैं यू विल बी एबल टू राइट इट। यस इज इट क्लियर टू एवरी वन? चलो सबसे पहला बेटा हमारा जो हिमालयाज है, अब जैसे आप देख सकते हो हिमालयन माउंटेन जो है दे आर कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। वाई दे आर कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स? बिकॉज जितने भी माउंटेन्स है हमारे वर्ल्ड में ये बहुत उनसे बहुत जल्दी जनरेट हुए, राइट? तो ये जब दो लैंड आपस में टकराए थे बेटा, राइट, टकराने के बाद जो माउंटेन्स क्रिएट हुए थे दीज आर माई यंग फोल्ड माउंटेन्स, और इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है? सो हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड and the Himalayas extend from Pamir Knot in Tajikistan to the east. तो आप देख सकते हो बेटा ऊपर डायग्राम में फिगर में, तो Pamir Knot जो है तजाकिस्तान से लेके ईस्ट तक जो है पूरा ये पूरा ईस्टर्न साइड तक हमारा जो है ये जो है मतलब आप बोल सकते हो आसाम तक पूरा ये जो है हमारा हिमालयन रेंज जो है फैला हुआ है बेटा। इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम इन एशियन कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली बात है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में ये मेजर जो है पार्ट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, राइट? तो बेसिकली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सटेंडिंग टिल वेयर, अरुणाचल प्रदेश। यस हेलो हेलो बेटा, हेलो सपना राजपुरोहित, हाय हाय बेटा, हेलो। यस इज इट क्लियर एवरीवन? ओके नेक्स्ट, द हिमालयस इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। बड़ा याद रखो ये हिमालय एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो देर आर मेनी पैरेलल रेंज इन द सिस्टम, राइट? यहाँ पर बहुत सारे आउटलाइन ऑफ मैप बेटा हम करने वाले हैं, डोंट वरी, अभी ये बस एक वन शॉट ले रहा हूँ मैं। आज शाम को हम लोग मैप की बात ही करेंगे, राइट? या शाम में हम वापस से लाइव है 7 PM को, उसमें मैप ही कर रहे होंगे डिस्कस पूरा। बड़ा पैरेलल लाइंस है हमारे, राइट?
यू कैन सी दैट द सदर्न मोस्ट पार्ट, ध्यान सुनना बेटा, अभी हमारा जो हिमालय है वो जैसे पैरेलल लाइंस माउंटेन रेंज में डिवाइडेड है, जैसे सबसे पहला जो है बेटा साउथ साइड में, जैसे हिमालय का जो साउथ साइड है, तो हिमालयन के साउथ साइड में सबसे पहला जो हमारा रेंज है बेटा वो है शिवालिक रेंज। कौन सा बेटा? शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज सबसे छोटा और सबसे यंग है ये हमारा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज, ओके? ये हमारा यंगेस्ट रेंज है बेटा। यस सर, यू आर ग्रेट सर, ज्योग्राफिकल रीजन में 6 पॉइंट बनते, यस यू कैन डू ज्योग्राफी में 6 पॉइंट वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट। इसके बाद का जो हमारा रेंज है बेटा, राइट, जो हमारा सबसे पहला रेंज था शिवालिक रेंज, उसके पीछे का जो रेंज है, जैसे आप हिमालय में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको रेंजेस दिखते जाएंगे और माउंटेन की हाइट भी बड़ी होती जाएगी बेटा। तो उसके पीछे आता है हमारा लेसर हिमालय एंड द हिमाचल रेंज, ओके? उसके बैक साइड में बेटा आपको आ जाएगा द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, और बेटा उसके भी बैक साइड में आपको आ जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है? तो दीज आर द पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालय विच यू सी, एंड यस ओके ओके, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो दिस रेंज आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, तो याद रखो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया है सबसे यंगेस्ट हिमालय कौन सा है, तो दैट इज इन दी सदर्न पार्ट, और सबसे ओल्डेस्ट बेटा कहां पर है? नॉर्दर्न पार्ट में होगा। इज इट क्लियर? यस सर, क्लाइमेट 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट? हाँ इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ रिमेंबर द माउंटेन रेंज आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू वेस्टर्न हिमालय दैट वॉट वी कॉल्ड एज काश्मीर हिमालय बेटा, और सेंट्रल हिमालय जिसको हम कुमायून हिमालय भी बोलते हैं, और ईस्टर्न हिमालय जो बेटा हमारा आसाम हिमालय, राइट? याद रखना बेटा, 3 पार्ट में हमने हिमालय को डिवाइड कर रखा है, राइट? कौन कौन से है? वेस्टर्न, सेंट्रल एंड आसाम, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके? तो ये ऊपर का पार्ट देख रहे हो जो डायग्राम में आप, ये वेस्टर्न हिमालय हमारा, तो बीच का जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज आवर सेंट्रल हिमालय, और ये जो एंड में आप देख रहे हो राइट ईस्टर्न पार्ट में एकदम, दैट इज माय ईस्टर्न हिमालय विच इज इन दी आसाम। इनको नाम भी दिया बेटा, काश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय एंड दी आसाम हिमालय। इज इट क्लियर? यस ओके, वेरी गुड। चलो अब बात करें बेटा, हिमालय का पार्ट एंड हुआ, नेक्स्ट हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना। व्हाट आर दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स? ध्यान देना बेटा, दिस मेजर दिस डिविजन लाइज बिटवीन द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ, राइट? सो बेटा ये किसके बीच में लाए कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बेटा हमारे? तो ये हिमालय जो हमारा हिमालयन रेंज है और जो पेनिनसुलर रीजन है, आप देख सकते हो बेटा ये जो येलो कलर का फिगर देख रहे हो, येलो कलर का हमारा पूरा पेनिनसुलर रीजन है, राइट? ऊपर जो है हमारा काश्मीर है, मतलब हमारा हिमालयन रेंज है, और उनके बीच में जो ग्रीन वाला पूरा पट्टा देख रहे हो, वो ग्रीन वाला पूरा पट्टा जो है बेटा वो क्या है बेटा? साइंस वन के पेपर में स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, ये पेपर में भी आ चुका है, और आप लोगों को बोल दिया गया है, जिसने हाइड्रोजन लिखा उनको भी मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने हीलियम लिखा है उनको भी मार्क्स मिलेगा, राइट? ओके, इज इट क्लियर? सर सेमी का कब लेने वाले हो? सर सेमी का कब लेने? सेमी का फिलहाल मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ, जो भी है इसी में बेटा। यस ओके, सो दिस डिविजन लाइज बिटवीन द हिमालय माउंटेन एंड द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला रीजन, याद रखो बेटा। नेक्स्ट, सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम टू इन द ईस्ट बेटा, ये पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन जो बेटा पंजाब से लेके आसाम तक पूरा फैला हुआ है, ध्यान देना बेटा। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है ये पंजाब से लेके पूरा आसाम तक है, ओके? इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लेइंग एरिया, याद रखो बेटा। जितने भी हमारे हिमालयन रेंजेस, सॉरी जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, नाम से तो चलता है ये प्लेन है, तो ये यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं है ज्यादा। आप नोटिस करिएगा जो भी लोग नॉर्थ साइड से होंगे, राइट, या नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो भी यूपी बिहार या फिर कहीं से होंगे, वहां पे ज्यादा पहाड़ वगैरह नहीं है, राइट? वहां पे पहाड़ी इलाका नहीं है, ये एकदम बेटा प्लेन लो लेइंग एरिया है। इसीलिए आप देखो जितने भी हमारे रिवर्स जैसे गंगा रिवर हो गई, जो ओरिजिनेट हो रही है हिमालय से, तो वो इस लो लेइंग एरिया से थ्रू होकर जाती है, राइट? इज इट क्लियर? यस, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बेटा। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ज्योग्राफी में 3 पॉइंट्स चलेंगे ज्योग्राफिकल, हाँ चलेंगे 3 पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, टेंशन ना लो। एंड दोज़ हु आर न्यू टू द चैनल बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। यस यस ओके, नाउ रिमेंबर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को बेटा हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, राइट? जिसमें हमारा जो द पार्ट लिंक टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इन द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा इज देयरफॉर नोन एज गंगा प्लेन बेटा। अरावली आप देख रहे हो अभी ऊपर फिगर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अरावली जो हमारा रेंज है, राइट, अरावली के उस तरफ तो हमारा पूरा राजस्थान है, पर अरावली के इस तरफ ईस्ट साइड में आप आओगे
तो आप देखो पूरा जो ये पिंक कलर का जो दिया हुआ है शेप, दैट इज आर गंगा प्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन। बेसिकली वो नॉर्थ इंडियन प्लेन का ही पार्ट है, बट दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द रिवर गंगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द व्हाट, गंगा प्लेन। ओके यस, नेक्स्ट इट्स स्लोप ईस्टवर्ड, तो गंगा प्लेन का जो स्लोप है ना बेटा वो ईस्टवर्ड ही है, और एंड में जाके वो क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, राइट। और मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कंटिन्यूड द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। बेटा डेल्टा आपने देखा होगा, जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर हमको दिखा रहा है डेल्टा बनता है, डेल्टा बेसिकली क्या होता है, जब बहुत सारे रिवर्स आते हैं एक पॉइंट पे, और रिवर्स की अगर स्लोप बहुत जेंटल स्लोप है तो रिवर्स की स्पीड काफी स्लो हो जाती है, और स्पीड स्लो होने से क्या होता है, उनका डिपोजिशनल वर्क होता है वहां पर, वो जितने भी सेडिमेंट जितने भी चीजें कैरी करते हैं वो आगे ऊपर डिपॉजिट करते हैं, और वी गेट द डेल्टा, जिसको हम आगे भी फर्दर कैरी ऑन कर रहे होंगे, राइट। ओके गौरव, थैंक यू बेटा, इज इट क्लियर। नेक्स्ट इट इज नोन एज सुंदरबन, तो बेटा वो जो डेल्टा फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे सुंदरबन है, जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में हमें मिलेंगे वेस्ट ऑफ बंगाल में, राइट। इट्स कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, बेटा तो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है दैट इज आर सुंदरबन, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। अब देखो अरावली रेंज का बेटा इस तरफ हमारा जो ईस्टर्न पार्ट था जिसको हमने गंगा प्लेन भी बोला, पर जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा राइट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, वो पूरा ज्यादा ज्यादा किससे ऑक्यूपाइड है बेटा, वो सारा मोस्टली ऑक्यूपाइड है डेजर्ट से। ओके, इट इज नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली, याद रखना बेटा इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं या फिर मरुस्थली भी बोलते हैं, नाम याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करने भी आएगा आपको एग्जाम में, मार्किंग में आता है राइट, मार्क थार डेजर्ट या मरुस्थली बोल दिया मार्क करने के लिए, तो आप देख रहे हो वो जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, दैट इज योर थार डेजर्ट और मरुस्थली, इज इट क्लियर। यस, मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट, और पूरा जो राजस्थान है वो इसी टाइप के डेजर्ट से क्या है बेटा, ऑक्यूपाइड है। द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई इन द प्लेन ऑफ पंजाब, तो डेजर्ट का जो नॉर्थ पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट है वो बेटा पंजाब में थोड़ा बहुत लाई करता है, और बाकी थोड़ा पार्ट जो हमारा पाकिस्तान में भी गया हुआ है राइट। तो दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावली एंड दिल्ली रेंज, तो ये रीजन जो है बेटा थोड़ा वेस्ट तक फैला हुआ है, आप देख सकते हो पंजाब में आप पूरा ऊपर की तरफ, और थोड़ा हल्का फुल्का दिल्ली रेंज में भी गया हुआ है, इज इट क्लियर। दिस प्लेन्स हैव फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, बेटा सतलज रिवर जो है दैट इज नथिंग बट योर रिवर इंडस राइट, आपने सुना होगा इंडस रिवर के बारे में, उसी को सतलज बोल रहे हैं। तो जो सतलज रिवर है और उसकी जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, उन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, डिपोजिशनल वर्क किया है, अगेन जैसे डेल्टा फॉर्म हुआ था वहां पर वैसे यहाँ पर भी है, इज इट क्लियर। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टूवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ पर जो स्लोप है बेटा वो कहाँ पर है, टूवर्ड्स द वेस्ट की तरफ है राइट, इज इट क्लियर। एंड जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बेटा, तो यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, देयरफॉर मोस्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस होता है। फिर अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, दैट इज द पेनिनसुला रीजन। ओके, तो हमने दो रीजन कर लिया बेटा, पहले दो रीजन हमने कवर कर लिए, हिमालय और नॉर्थ इंडियन प्लेन, नाउ वी आर डूइंग द पेनिनसुला रीजन। नाउ व्हाट इज इन द पेनिनसुला रीजन, लेट्स सी, द एरिया लिंक्ड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स दैट ट्रेपिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड द पेनिनसुला रीजन। ये आपको जो पूरा मार्किंग दिख रही है ना बेटा, हाय सर माई सेल्फ साविक आई हैव डाउट, यस बोलो बेटा, तो ये आपको जो ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है बेटा येलो कलर के शेप में, ये पूरा हमारा पेनिनसुला रीजन है राइट, ये पूरा हमारा क्या बेटा, पेनिनसुला रीजन है। यस दोस्तों, आर न्यू टू चैनल बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। हाँ जी, इट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लैट्यूज इन एंड हिली रीजन, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लैट्यूज और बहुत सारे हिली रीजन मिल रहे होंगे राइट। देन द अरावली इज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर, तो अरावली जो है मतलब इसके नॉर्थ में हमारे, इसके नॉर्थ में बेटा हमारा जो पेनिनसुला रीजन, उसके नॉर्थ साइड में जो अरावली रेंज आप देख रहे हो राइट, सो दैट इज द ओल्डेस्ट यंग माउंटेन, दैट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन राइट। ओके, नेक्स्ट इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्यू देन बोर्डिंग द प्लेन्स एंड विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट राइट। तो उसमें बहुत सारी चीज, उसमें प्लेट्यूज इंक्लूड है राइट, इसमें जो बहुत सारे प्लेन्स है, जैसे अब विंध्यास प्लेन की बात कर लो राइट, या सतपुड़ा रेंज की बात कर लो, तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन दिस पेनिनसुला रीजन। नेक्स्ट हमारा कोस्टल रीजन, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ द इंडिया राइट, तो इंडिया इज ब्लेस्ड विद द, बेटा ये याद रखना नंबर राइट, सो इंडिया इज ब्लेस्ड विद द लॉन्गेस्ट कोस्टल एक्सटेंडिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर बेटा। तो आप अगर कोस्टल रेंज देख रहे हो गुजरात से जो स्टार्ट होके नीचे
तमिलनाडु से होकर के जो बांग्लादेश तक गया हुआ, बांग्लादेश बोल रहा हूँ, उड़ीसा तक गया हुआ बेटा, वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा जो है बेटा, ये पूरा सर मैप का प्रैक्टिस कैसे करें बेटा, मैं शाम को मैप प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, टेंशन ना लो। और मैंने IMP क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है? यस, एंड दोज़ हु आर न्यू टू चैनल, प्लीज चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना बेटा। यस, इट लाई टू द वेस्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो जो हमारा कोस्टल प्लेन है बेटा, वो पेनिनसुला के वेस्ट और ईस्ट साइड में है। ओके, इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शोज रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज, एंड ऑब्वियसली बात है बेटा, देर आर वेरी मच डिसिमिलैरिटी। मतलब दोनों कोस्टल रीजन है पर दोनों सेम नहीं है। मतलब हमारा जो ईस्टर्न पार्ट का जो कोस्टल रीजन है और जो वेस्टर्न पार्ट का कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न पार्ट का मतलब जो मुंबई साइड में आते हैं ना, राइट, कोंकण जो है हमारा पूरा वेस्टर्न पार्ट है बेटा, और ईस्टर्न पार्ट जो हमारा इस तरफ है। तो दोनों आप फिगर डायग्राम में ऊपर देख सकते हो, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट, राइट? ओके, यस, द वेस्टर्न कोस्टल बॉर्डर्स द अरेबियन सी। तो ऑब्वियसली बात है, जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा कोस्टल एरिया का, वो अरेबियन सी से अटैच्ड है, ठीक है? और अगर हम बात करें, एंड इट इज द लार्जेस्ट रॉकी कोस्ट, बहुत ही बड़ा रॉकी कोस्ट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है। एट स्पेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। स्पर्स मतलब क्या होता है, आप देखो यहाँ पे बेटा, स्पर्स इज अ पीस ऑफ लैंड और रिज दैट इज माय डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेनियस इन टू वैली। बेटा माउंटेन जो है वो वैली में क्रिएट हो रहे हैं, याद रखना बेटा, माउंटेन और वैली में फर्क होता है। वैली जो 1000 मीटर से कम हो जिसकी हाइट, उसको वैली बोलते हैं। 1000 मीटर की जिसके ऊपर हाइट होती है उनको हम बोलते हैं बेटा माउंटेन, राइट? तो माउंटेन से वैलीज में क्रिएट होते जा रहे हैं, राइट? जो हमारा वेस्टर्न घाट से अगर आप वहां पे देखोगे तो इट्स वेट इज ऑल्सो लेस, उसका वेट की बात करें वो भी काफी छोटा होता है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हैंस दे फॉर्म एस्चुरीज एंड नॉट डेल्टा। रिमेंबर बेटा, जितने भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, राइट, वो कभी भी डेल्टा बनाते नहीं। डेल्टा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इस कमेंट में डेल्टा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा बनाने के लिए आपका जो वाटर का स्पीड है वो स्लो होना चाहिए, राइट? तभी डेल्टा क्रिएट होगा, तभी डिपोजिशनल वर्क होगा। पर यहाँ पर डिपोजिशनल वर्क होता ही नहीं, यहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म होती है क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही हमारे वाटर बॉडी जो वेस्टर्न घाट से निकल रहे होते हैं, वो डायरेक्टली बेटा हमारे जो अरेबियन सी में जाके मिल जाते हैं, उनको कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं मिलता है कि उनकी स्पीड कम हो सके, राइट? And therefore they do not form delta, they form estuaries. And you can see that these are the estuaries. आप ऊपर बैक साइड में ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, तो पूरा ओशन है और यहाँ पर आपको कुछ estuaries दिख रहे हैं। अब estuaries basically क्या होते हैं? तो estuary is practically enclosed body of water along coastlines where fresh water and salt water meets and mix. जैसे आप देख सकते हो मेरे right से इस तरफ में, right? तो आपको दिख रहा है ऊपर जो part है हमारा ocean है, और नीचे का जो part आपको water body दिख रहा है, that is my water body, river water body. जो दोनों मीट हो रहे हैं, राइट, एंड हेंस दे आर फॉर्मिंग द एस्चुरीज हियर, राइट? ओके, यस सर, लास्ट क्वेश्चन कितने पॉइंट्स का, दैट डिपेंड्स बेटा, अगर आपको 4 मार्क्स के लिए पूछ रखा है बेटा तो मिनिमम आपको 7-8 पॉइंट तो लिखना ही है उसके अंदर। इज इट क्लियर? यस, ओके, यस, एंड दोज़ हु आर न्यू टू चैनल बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 11th 12th की बहुत जल्दी वीडियो स्टार्ट हो रही है चैनल के ऊपर, राइट, इसी चैनल पे, कोई नया चैनल नहीं बेटा, इसी चैनल पर है। देन ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल का जो ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, राइट, इट हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो यहाँ पर आप देखो डिपोजिशनल वर्क कितने सारे, आप देख सकते हो कितने सारे डेल्टास फॉर्म हो रखे हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द water speed has been very declined here, right? Okay. Many eastern flowing rivers rises from western and the eastern ghats meet this coast, right? देखो western घाट से भी बहुत सारे rivers निकलते हैं, eastern घाट से भी river निकलते हैं, और वो आकर के यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, meet हो, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, all these are the rivers which are working here and doing the depositional work. They are starting from where बेटा? They are starting from the western घाट, right? You can see in the picture. So they are starting from the western ghats and moving towards the east. And obviously, with the long distance travel, hote hain, unki speed slow jati hai end mein. And again, they have their tributaries also, right? Haan beta, hum NEET lete hain aur hum jaldi NEET start bhi karenge, theek hai? Because of the gentle slope of the land, rivers flow at lower velocity and deposit the sediments brought by them. So, jaise maine aapko bataya, lower velocity and deposit the... Okay, those who are new to channel, beta, channel ko subscribe kar lena sab log. Right? Yes.
एज अ रिजल्ट डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट, तो यहाँ पे डेल्टा बनना शुरू हो जाता है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइलैंड्स की, तो हमने चार बातें कर ली बेटा, हमने सबसे पहले बात किया हिमालयन रेंज का, फिर हमने बात किया नॉर्थ इंडियन प्लेन, देन पेनिनसुला, देन हमने बात किया कोस्टल लाइन, अब हम बात करें बेटा आइलैंड्स के ऊपर। यस, तो ये चार क्लियर है राइट? यस यस यस। हाँ बेटा नीट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स लेता हूँ, उसके अंदर टेंशन ना लो आप, ठीक है? हाँ जी, तो आइलैंड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो आइलैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, अरेबियन सी एंड हमारा जो है बे ऑफ बंगाल्स, एंड नेक्स्ट इज आवर कोस्टल आइलैंड राइट। तो इसे तीन पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है मेजरली, अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं, बे ऑफ बंगाल में जो है, अरेबियन सी में कौन है, लक्षद्वीप है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, कोस्टल आइलैंड्स भी हमारे पास कुछ राइट, जो हमारे कोस्ट साइड में राइट। ओके, तो लक्षद्वीप है यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पर हमारे पास है आइलैंड नियर टू द कोस्ट ऑफ द इंडिया राइट, इंडियन कोस्ट के आसपास जो उनको हम बोलते हैं कोस्टल आइलैंड्स। ओके चलो, तो अब आइलैंड्स ग्रुप को स्टार्ट करते हैं राइट। ओके, इंडिया हैज मैनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड, तो उसके मेनलैंड के बाजू में बहुत सारे आइलैंड्स हैं बेटा, दे इंक्लूड्स कोस्टल आइलैंड्स ग्रुप। ओके, जैसे कि हम बात करें अगर यहाँ पर, तो आप फिगर में देख सकते हो बेटा, आपको दो आइलैंड दिख रहे हैं, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में राइट। सो बिसाइड इंडिया हैज टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, वन ईच इन द अरेबियन सी एंड अदर इज इन द बे ऑफ बंगाल, इज इट क्लियर? तो द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, जैसा कि बताया बे ऑफ बंगाल में जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये आप देखो बेटा इसको एटॉल बोलते हैं। एटॉल मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड्स, ऐसे एग्जाम में आएगा, वन मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है ये बेटा, फिलअप में आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर डैश आइलैंड्स, दे आर कॉल्ड एज एटॉल आइलैंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एटॉल आइलैंड्स राइट, व्हाई दे आर कॉल्ड एज एटॉल आइलैंड, बिकॉज एटॉल का जो मीनिंग है बेटा वो है, एन एटॉल इज रफली सर्क्यूलर ओशनिक रीफ सिस्टम सराउंडेड अ लार्ज सेंट्रल लगूंस। अब देखो ये सर्कुलर पार्ट बना है, पर रफ सर्कुलर है, कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, और उसके अंदर एक वाटर बॉडी एक लगून की तरह फॉर्म हो रखा है ये राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉल बोलते हैं। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई राइट, स्मॉल एक्सटेंट में होते हैं, बहुत हाई भी इनकी जो लैंड होती है बहुत ऊपर ऊपर भी नहीं होती, नॉर्मली होती है राइट। देन अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बेटा वहां पे ज्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और अभी भी हो रहे हैं राइट। So they are large with the hills and their interior part includes the islands called barren islands which has only active volcanoes in India. So पूरे इंडिया में जो हमारा ये है बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड, तो यहीं पर एक्टिव वॉल्केनो पूरे इंडिया में पाया जा रहा है बेटा, अभी और कहीं पर नहीं राइट। यस, देर आर एटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप टू, तो निकोबार में भी कुछ एटॉल्स हैं। ओके ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है फिलहाल, अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं वर्कआउट करते हैं, अदरवाइज इट विल कंज्यूम टू मच ऑफ आवर टाइम राइट, वी विल जस्ट मूव अहेड एंड वी विल डिस्कस द अनदर पार्ट ऑफ द टॉपिक। यस, कम टू दिस, तो हमने इंडिया का बेटा जो फिजिकल पार्ट है वो हमने कर लिया राइट। तो अब हम बात कर रहे होंगे बेटा ब्राजील के बारे में राइट, तो इंडिया का हो गया, ड्रेनेज लेंगे इसके बाद, ड्रेनेज लेंगे, तो पहले हमने ये कवर कर लिया फिर ड्रेनेज भी ले रहे होंगे ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं बेटा फिजिकल डिवीजन ऑफ ब्राजील राइट, तो इवन अ कर्सरी लुक एट द मैप विल मेक यू रियलाइज दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय द हाईलैंड्स प्लैट्यूज एंड स्मॉल माउंटेन्स। अब आप ये देखो इंडेक्स देखोगे अगर ब्राजील का, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा है तो बेटा इसमें देखो इंडेक्स देखोगे अगर आप, तो जैसे कि जो जिसका ये हाइट इन मीटर दिया है मतलब ओशन वाटर से कितना हाइट पर है ये, तो बेटा आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये जो ऑरेंज कलर है दैट एंड येलो कलर है अप्रोक्सीमेटली दैट इज शोइंग यू व्हाट बेटा, ये आपको शो कर रहे हैं 1000 फीट अबाव राइट। और अगर हम बात करें बेटा येलो वाले की दैट इज 500 एंड ग्रीन वाला जो समवॉट इट इज अराउंड 200। तो आप पूरे अगर ब्राजील में देख रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम दी द नॉर्थ प्लेन विच आई कैन सी दैट इज इन दी दिस बिलो 200 रेंज राइट, बट अगर आप ईस्टर्न सदर्न पार्ट में आते हो राइट, सदर्न ईस्ट पार्ट में आते हो तो आप देख सकते हो बहुत सारा पार्ट जो है बेटा वो हाईलैंड्स है यहाँ पर राइट। सो इन ब्राजील मैक्सिमम पार्ट इज इन हाईलैंड। यस, हैप्पी होली श्रवण, हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली टू एवरीवन राइट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नहीं भी किया होगा एंजॉय योर स्टडीज बेटा, उसके अलावा और कुछ नहीं है ठीक है।
यस एंड दोस्त दो न्यूडियो चैनल बेटा, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। देर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडेड माउंटेन इन दिस कंट्री। तो जैसे हिमालयन रेंज है हमारे पास, तो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट? ब्राजील में ऐसा कोई भी हाई माउंटेन वाला पार्ट नहीं है, ठीक है? देन एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न अमेजोन बेसिन एंड द सदर्न सदर्न वेस्ट अलॉन्ग द अपर पार्ट ऑफ द पैराग्वे बेसिन देर आर नो वाइड प्लेन्स इन द कंट्री। तो प्लेन्स की भी बात करें बेटा, तो अमेजोन बेसिन जैसे हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो वैसे यहाँ पर प्लेन्स अगर सिर्फ यहाँ पर है, एक जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है और एक जो स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है, बस यहीं पर दो इनको आपको जो है प्लेन एरिया मिल जाएगा। इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। तो कोस्टल पार्ट भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील आर एस फॉलो। सबसे पहले यहाँ पे जैसे इंडिया को हमने पांच पार्ट में डिवाइड किया था बेटा, पांच फिजियोग्राफी कौन कौन सी थी इंडिया की, राइट? अपनी होली 27 को है, यस, ओके। पांच पार्ट कौन सा था? जैसे हिमालयन रेंज था हमारा, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, देन कोस्टल एरिया एंड देन आइलैंड्स। इन द सेम वे यहां पर भी फिजियोग्राफी बेटा, पहला द हाईलैंड्स, सेकंड द ग्रेट एस्कार्पमेंट, थर्ड द कोस्टल रीजन, द प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है? तो यहां भी इसको भी हम फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभी हाईलैंड्स के बारे में, राइट? हाईलैंड्स मतलब ऐसे पार्ट जो जमीन से काफी ज्यादा ऊपर है। यस, दो दो आर न्यू चैनल बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। हाँ जी, द सदर्न, अब ध्यान देना बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट चल, राइट? द सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेट्यूज। तो जो ब्राजील का साउथ साइड है बेटा, वो बहुत ज्यादा प्लेट्यूज से भरा पड़ा है। आप ये जो स्क्वायर डब्बा देख रहे हो, राइट, जिसको ब्राजीलियन हाईलैंड्स बोल रखा है हमने, क्या बोला बेटा इसको हमने? ब्राजीलियन हाईलैंड्स, राइट? इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राजीलियन हाईलैंड्स और ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेट्यू। रिमेंबर, एग्जाम में अगर आपको पूछा गया हाईलाइट करो, ब्राजीलियन शील्ड बोलो या ब्राजीलियन प्लेट्यू बोलो या ब्राजीलियन हाईलैंड्स बोलो बेटा, ये तीनों का मतलब एक ही और आपको यहीं पर मार्क करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। देन ब्राजीलियन एंड गुआना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म अ कोर ऑफ द सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट बेटा। तो जो ब्राजीलियन है और गुआना हाईलैंड्स है, राइट, टुगेदर फॉर्म अ कोर ऑफ द सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये उसका कोर बना रहे हैं। The main part of the Guiana Highlands in the Venezuela and it extends from up to French Guiana. तो आप देख सकते हो बेटा, upper part में Venezuela से लेके French Guiana तक का ये Guiana Highlands है, right? ऊपर के side में, north side of the Brazil में, okay? In Brazil it covers the state of, अभी कौन-कौन से state को cover कर, right? In Brazil it covers the state of Roraima, Para, Amapa in the north, right? And the lower part Highlands of the Brazil is, but the highest peak of Brazil, that is Pico de Neblina, is 3014 meter high and lies on the border between Brazil and the Venezuela. आप ये जो कर्सर देखो मेरा बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है पीको दे नेब्लिना बेटा, ये आपको मार्क करने एग्जाम में पूछेंगे, आपको एग्जाम में मार्क करने आएगा ब्राजील के मैप में। तो वेनेजुएला के नीचे, राइट, वेनेजुएला के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, that is just 3014, right? 3014 meter high, then lies in the border between, और ये दोनों के border के बीच में बेटा, मतलब Venezuela और Brazil के border के बीच में है ये highland, okay? ये highland is in between Brazil and, yes. Next, the region to the east and the south of the Brazil highlands, they have altitude of more than 1000. तो अगर बेटा ईस्ट की साइड की बात करें, साउथ ईस्ट की साइड की बात करें हम लोग, तो ये आप जैसे देख रहे हो ब्राजीलियन हाईलैंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे येलो इन कलर बेसिकली। तो यहाँ पर जो बेटा 1000 या 1000 से थोड़ा ज्यादा जो है हाइट होगा हमारे मेनलैंड से, ठीक है? बट इन अदर पार्ट द एल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000। अगर इनको बाकी छोड़ दिया जाए, जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील को और ये जो सदर्न ईस्ट पार्ट जो ब्राजील का था, अगर इनको छोड़ दे बेटा, तो बाकी सारे जो ब्राजील के पार्ट है वो 500 से 1000 मीटर के रेंज में एल्टीट्यूड में ही है। अब ये जो एल्टीट्यूड हम डिसाइड कर रहे हैं, किस पे डिसाइड कर रहे हैं? सी लेवल से, राइट? तो जो कोस्टल एरिया है, जो सी लेवल है, उस सी लेवल से कितना ऊपर हमारा मेनलैंड होता है, राइट? यस, सो दोस्त दो आर न्यू चैनल बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यस, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यू इन क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो, राइट? द नंबर ऑफ रिवर टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फॉर्म नॉर्थवर्ड्स टू मीट अटलांटिक ओशन। अब आप देख सकते हो बेटा, ये जो है, ये जितने भी रिवर्स है हमारे, राइट,
कि जितने भी रिवर्स हैं ये सारे इस तरफ बह रहे हैं, जैसे आपने देखा रहेगा राइट, उरुग्वे रिवर, पैरागुए रिवर, तो ये सारे बेटा एंड में जाकर के मीट कहाँ पर होते हैं, अटलांटिक ओशन में मीट होते हैं राइट। सब मेजर रिवर्स लाइक उरुग्वे, पैरागुए एंड पैराना ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड्स एंड एंटर अर्जेंटीना। तो बेटा ये नीचे का पार्ट जो है ये अर्जेंटीना है राइट, तो ये रिवर उरुग्वे और उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज। तो बेसिकली जो सदर्न स्लोप था हमारा, सदर्न पार्ट था, ये ब्राजील का साउथ पार्ट है बेटा, तो साउथ पार्ट में जो उसका स्लोप है वो स्लोप जो है नीचे की तरफ गया हुआ है राइट। तो सब मेजर रिवर्स लाइक यूरेगे, पैरागुए, पैराना ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न सदर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड राइट, वहां से वो ओरिजिनेट होते हैं, एंटर इन टू अर्जेंटीना एंड देन दे विल एंटर इन टू दी यस ओशन। आप देख सकते हो ये रिवर पैरागुए, ये रिवर पैराना एंड दिस इज द अर्जेंटीना। तो आपको ये रिवर दिखे तीनों, उरुग्वे रिवर पैरागुए एंड रिवर पैराना। अब आप एक बात याद रख लो, रिवर पैरागुए और पराना रिवर ये दोनों मिलके ही बेटा अपने बनेंगे रिवर उरुग्वे राइट, रिमेंबर दिस। आप ये देख रहे होगे राइट, रिवर पैरागुए एंड पराना रिवर ये दोनों मिलके बनेंगे आपका रिवर उरुग्वे राइट, जो कि अर्जेंटीना में मीट हो रहे हैं बेटा। देन इट्स स्लोप टूवर्ड्स, अब यहाँ पे इट्स स्लोप टूवर्ड्स द ईस्ट एंड स्टीप एंड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एस्कार्पमेंट, और ये हमें जो है एस्कार्पमेंट की तरह दिख रहा है। अब आपका एस्कार्पमेंट क्या है, लेट्स सी, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट एस्कार्पमेंट। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर राइट, दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ व्हाट इज द ग्रेट एस्कार्पमेंट, दो इट इज ऑक्यूपाइड बाय ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट्स इट हैज ऑन द क्लाइमेट मेक्स अस अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। देखो ये बहुत ज्यादा एरिया में फैला नहीं हुआ एस्कार्पमेंट, बट इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है किसके ऊपर, डायरेक्टली क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर। कैसे होता है, जस्ट सी, सो द जो ईस्टर्न पार्ट हमारा, द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड्स इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ दिस एस्कार्पमेंट, तो उसको डिमार्केटेड, उसको हाईलाइट किया गया है इसी एस्कार्पमेंट की वजह से राइट। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर। अब आप देखो जनरली क्या है, अगर हम ईस्टर्न साइड में कोस्टल रीजन के बहुत करीब है, तो वहां पर जो हमारा लैंड होता है, मेनलैंड होता है ब्राजील का, वो तो बेटा वाटर बॉडी के लेवल के थोड़ा सा ऊपर होगा, बट वहां पे सडनली बहुत हाइट इंक्रीज हो गई। सडनली क्या हो गई, बहुत हाइट इंक्रीज हो गई 790 मीटर, एंड दैट इज क्रिएटिंग द एस्कार्पमेंट। ओके, इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, और अचानक से हाइट कभी कभी डिक्रीज भी हो जा रही है। सो यू कैन सी द पिक्चर, अब मेरे पीछे एक पिक्चर है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा वो, अगर मैं यहाँ से खुद को थोड़ा सा हटा दूं तो आपके लिए वो विजिबल हो जाएगा। अगर ईस्ट से वेस्ट एक्चुअली हम जा रहे होते हैं जब राइट, तो मैं जरा सा खुद को शिफ्ट करता हूँ बेटा, जस्ट टू सी यू दैट पिक्चर वेरी क्लियरली। ओके, थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करते हैं, फिर से हम आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। ओके, ना जस्ट लुक हियर, अब ये आप मेरे पीछे बैक साइड में पिक्चर देख रहे हो राइट। ओके, स्टेंसिल मैप यूज अलाउड इन बोर्ड एग्जाम, यू कैन यूज स्टेंसिल बेटा, स्टेंसिल का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, यस, ना जस्ट लुक हियर, अभी आप में आप जो ये पिक्चर देख रहे हो बेटा एस्कार्पमेंट का राइट, यू जस्ट सी हियर, ये आपका एस्कार्पमेंट है। देखो ये आपका वाटर बॉडी है राइट, ये आपका ओशन है राइट, पैसिफिक ओशन, और आप देख सकते हो यहाँ से अचानक से हाइट जो है बेटा इंक्रीज हो गई, अचानक से हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और समवॉट द हाइट इज नथिंग बट यहाँ पे 1200 mm दे रखा है, दैट इज योर मिलीमीटर राइट। तो ये अचानक से हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, नॉट हाइट, बेसिकली आपको रेनफॉल दिया, सॉरी ये रेनफॉल दिया, रेनफॉल इन mm दिया, क्योंकि 1200 mm हाइट बहुत छोटा हो जाएगा राइट। तो हाइट दिया हुआ है यहाँ पर, कितना हाइट दिया है, 3600 किलोमीटर राइट, नॉट लाइक दैट। ओके, चलेगा, हम ईस्ट से वेस्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं बेटा, जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट आई सी दैट ओशन बॉडी से अचानक हाइट इंक्रीज हो गई, फिर हाइट डिक्रीज होने लगी, फिर हाइट डिक्रीज हो गई, हमारा पैरागुए, पैराना रिवर बेसिन आ गया, ये अमेजोन बेसिन आ गया, एंड दिस इज द अगेन द एंडीज माउंटेन, जो कि अगेन एंड में है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर अचानक से हाइट कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। रेनफॉल की बात करेंगे बेटा यहाँ पर राइट, तो रेनफॉल अगर आप देख रहे हो तो शुरुआत में एस्कार्पमेंट के पहले रेनफॉल काफी ज्यादा है, सडनली एस्कार्पमेंट के आगे आप आओगे तो रेनफॉल तुरंत डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं मेजरली
और जो कोस्टल एरियाज हैं आपके, राइट, तो वहां पर रेनफॉल कम है, वहां पर रेनफॉल कम है। रीजन क्या है रेनफॉल कम होने का? अब यहाँ पर जितने भी क्लाउड्स है बेटा, देखो यहाँ से जो एयर आती है, मेरा कर्सर को ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से जो एयर आती है एस्कार्पमेंट से ऊपर जाती है, और वो ऊपर वाली एयर क्या करती है, क्लाउड्स को ऊपर लेके जाती है, और ऊपर जो क्लाउड्स आते हैं फिर सामने से उनको और आगे लेके जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ब्राजीलियन हाईलैंड जो बनता है हमारा, दैट कॉल्ड इज एज व्हाट, रेन शैडो रीजन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, रेन शैडो रीजन। तो ये वाला पार्ट जो बेटा, ये वाला पार्ट पूरा क्या बन जाता है, रेन शैडो रीजन। यहाँ पे काफी कम बारिश हो रही होती है, आगे जाने के बाद फिर से बारिश जो बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एग्री, राइट। अब ये आप पिक्चर से आपको समझ सकते हो, मैं फिर से खुद को जरा सा अलाइन कर दूं बेटा, हम फिर से अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाए, राइट। थोड़ा छोटा भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यस। नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस। सो दिस इज योर द ग्रेट एस्कार्पमेंट वी आर स्टार्टिंग विथ नाउ, राइट। नाउ व्हाट इज योर ग्रेट एस्कार्पमेंट, जस्ट लुक हियर। सो फिजिकल डिवीजन ऑफ ब्राजील, जैसे कि आप देख सकते हो ये अपना कोस्टल रीजन है, हियर यू हैव द ब्राजीलियन हाईलैंड एंड दिस इज योर एस्कार्पमेंट, राइट। द माउंटेनियस रेंज इज स्टार्टिंग आफ्टर द कोस्टल रीजन। The escarpment act as the barrier to the southernest trade winds, giving rise in the rain shadow area in the northern part of the highlands, right? याद रखो, जैसे मैंने बताया northern parts of island में बेटा ये क्या कर रहे हैं, ये northern parts of island में rain shadow area create करते हैं, जिससे यहाँ पर बारिश नहीं होती है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे समझो, देखो ये clouds आए, right? पर clouds आए पर यहाँ से जो air है वो clouds को ऊपर lift कर देगा, right? और क्या होगा, देखो पहले तो यहाँ पर बारिश हो गई काफी ज्यादा, कोस्टल एरिया में बारिश काफी ज्यादा है, राइट। तो ये रीजन में बारिश बहुत ज्यादा है, पर इसके बैक साइड का रीजन अगर आप देखोगे तो बैक साइड का जो रीजन है बेटा, वो आपका जो रीजन है वो हमारा है रेन शैडो रीजन, जो येलो कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ इट्स एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। तो इसीलिए क्या होता है कि ग्रेट एस्कार्पमेंट के नॉर्थ साइड में जो रीजन है बेटा, उसको बोला जाता है ड्रॉट क्वाड्री लैटरल। रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स, दे आर कॉल्ड इज ड्रॉट क्वाड्री लैटरल। यू सी दस, सी दिस कैसा था एस्कार्पमेंट है। देखो ये आपका ओशन है, ये देखो अचानक से क्या हुआ, हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है ना, दिस इज व्हाट योर एस्कार्पमेंट लुक्स लाइक, ओके। अब हम बात करें कोस्टल रीजन की, तो ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7400 किलोमीटर, राइट। कमेंट मी इंडिया का कोस्टल रीजन कितना था, चलो फटाफट कमेंट करके बताना। मैंने अभी पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, राइट, व्हाट इज द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का कोस्टल एरिया कितना है, चलो फटाफट कमेंट करके बताओ। एंड दोस हु आर न्यू टू चैनल, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। ब्राजील हैज कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट बेटा कितना, 7400 किलोमीटर, राइट। ब्राजील का जो कोस्ट लाइन है दैट इज 7400 किलोमीटर का है, ओके। एंड वन में डिवाइड इट इन टू टू पार्ट्स, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है कोस्ट लाइन को ब्राजील के, कौन कौन से देखो ध्यान से। पहला है बेटा नॉर्दर्न कोस्ट जो कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, और दूसरा बेटा आता है हमारा ईस्टर्न कोस्ट जो कि नीचे की तरफ को लाइन दिख रही है, ठीक है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्दर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट। नॉर्दर्न कोस्ट जो ऊपर रेड वाला है, ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा ब्लू वाला है, यस वेरी गुड, 7500 किलोमीटर, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो यहां पर याद रखना यहां पर कितना था, ओके। द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड, ध्यान देना बेटा, द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो डी जेनेरो नॉर्थ इन द ईस्ट। बेटा ये अमापा से लेके रियो डी जेनेरो तक जो है क्या होता है, एक्सटेंड होता है, राइट, कौन सा नॉर्दर्न पार्ट वाला। एंड दिस कैन कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। तो जो ऊपर में बेटा हमारा जो कोस्टल लाइन था, राइट, नॉर्थ कोस्ट जो था, उस नॉर्थ कोस्ट को हम लोग नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बोलेंगे, ओके। अब ऊपर की बात हो रही है, ध्यान देना, द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय माउंटेन्स ऑफ मेनी रिवर्स, बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग द अमेजॉन। तो जो नॉर्थ कोस्ट है बेटा, आप देख सकते हो ये वाला जो नॉर्थ कोस्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े रिवर्स जो बेटा, जैसे अमेजॉन हो गया, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, तो मैनी रिवर्स, और बहुत सारे रिवर्स जो हमारे हाईलैंड से भी निकल रहे हैं, राइट, ब्राजीलियन हाईलैंड से भी निकल रहे हैं, दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू द नॉर्दर्न कोस्टल एरिया।
तो यहाँ पर इतना ज्यादा फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल है इस वाले नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस ओशन, तो वहां पे जो सैलिनिटी है वो भी डिफर करती है, सैलिनिटी भी यहाँ पर क्या होती है बेटा, डिफर करती है। देयर फॉर दिस रीजन इज लो लेइंग रीजन, ओके, तो ये लो लेइंग रीजन है। एंड ऑन दिस लाइज दी मराजो आइलैंड, मराजो एंड साओ माक्रो बेज, याद रखना बेटा दो आइलैंड है बेटा यहाँ पर हम बता रहे हैं। ऑन दिस कोस्ट लाई, ऑन दिस कोस्ट लाई दी मराजो आइलैंड, देन मराजो एंड साओ मैक्रो, तो देखो ये आपका मराजो बे है, ये साओ मैक्रो बे है, राइट, दिस आर दी टू आइलैंड्स यू कैन सी इन दिस। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेजर इज दी लार्ज, ध्यान देना बेटा, मेजर इज दी लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ द रिवर अमेजोन एंड रिवर टोकैंटिन्स, राइट, द रिवर टोकैंटिन्स विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी अमेजोन हाईलैंड एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील एंड अगेन रिवर अमेजोन, ओके। तो ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में जाते हैं हमारा जो मराजो आइलैंड है वहां से, ठीक है। फिर आते हैं बेटा ईस्ट साइड में हमारा, तो जो ईस्टर्न कोस्ट है इसका जो एक्सटेंड है कहाँ से कहाँ तक है, राइट, तो ईस्टर्न की बात करें हम लोग, तो ईस्टर्न कोस्टल रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स, तो यहाँ पे सारे स्मॉल रिवर्स आ रहे हैं, राइट, ओके। एंड यू कैन सी जैसे रिवर साओ फ्रांसिस्को, राइट, मीट्स द अटलांटिक ओशन अगेन। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट, अभी हमारा आता है ब्राजीलियन द कोस्टल रीजन, राइट, ब्राजीलियन का हमारा, द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय द लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड डन्स कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे बीचेस है बेटा यहाँ पर, राइट, बहुत सारे बीचेस हैं। यस बेटा वी विल डू मैप मार्किंग, ये सैंड डन्स बोलते हैं इनको हम लोग, आप देख सकते हो बेटा ये जो आप फिगर देख रहे हो दे आर कॉल्ड एज सैंड डन्स, ओके। द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन मैनी एरियाज बाय कोरल रीफ एंड एटॉल आइलैंड, यू जस्ट सी द कोरल रीफ बेटा, ये सारे कोरल रीफ हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं, हमारे पास भी कोरल रीफ है, हमारे भी पास कोरल रीफ है, बट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जैसे आप अगर मुंबई की बात करो तो वर्सोवा में बहुत पहले कोरल रीफ हुआ करते, बट अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या बेटा, जो हम उसमें गंदगी डालते हैं, जितने भी अनफ्रेश वाटर सब उसके अंदर जा रहे होते हैं वो अगेन उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इनिशिएटिव टू प्रिजर्व ऑल दिस कोरल रीफ, राइट, ओके, यस। व्हेन मैप मार्किंग बेटा, इवनिंग में मैप मार्किंग है, पूरा मैप मार्किंग, मैं पूरे 9 के 9 चैप्टर का मैप मार्किंग आपको करा के दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, राइट। सर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो? नहीं बेटा सारे नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ साइंस लेता हूँ, ज्योग्राफी थोड़ा फेवरेट है मेरा इसलिए ज्योग्राफी भी ले लेता हूँ, हिस्ट्री मैंने लिया क्या, नहीं लिया ना, राइट, ओके। द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरिया कोरल रीफ्स एंड एटॉल आइलैंड्स आल्सो, दीज आर द एटॉल आइलैंड्स, राइट, अगेन। अब बात करेंगे प्लेन्स की बेटा, तो ब्राजील में जो प्लेन्स है दो ही प्लेन्स है हमारे पास, एक तो हमारे पास रिवर अमेजोन बेसिन है, दूसरा हमारा पैरागुए रिवर का जो बेसिन है, राइट। सो द प्लेन्स इन ब्राजील कन्फाइन टू टू एरियाज, नेमली अमेजोन बेसिन इन द नॉर्थ एंड द पैरागुए पैरागुए पैराना सोर्स रीजन इन द साउथ वेस्ट, याद रखो ये दो ही प्लेन्स है हमारे पास, राइट, दीज आर द टू प्लेन्स ओनली वी हैव, ओके। अब जो अमेजोन, ध्यान देना बेटा, जो अमेजोन प्लेन्स है लेइंग बिटवीन टू हाईलैंड्स फॉर्म द लार्जेस्ट प्लेन लैंड इन द ब्राजील, तो पूरे ब्राजील का सबसे बड़ा अगर प्लेन लैंड की बात करें तो अमेजोन है, राइट। टाइमिंग बेटा 7:30 PM होगा लगभग। अमेजोन प्लेन्स लेइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील जनरली स्लोप ईस्टवर्ड, राइट, तो अमेजोन जो ब्राजील अमेजोन जो प्लेन है बेटा उसका स्लोप ईस्टवर्ड है ऊपर की तरफ, राइट, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर के सारे वाटर मिल रहे होते हैं वहां पर। सो द अमेजोन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट अबाउट 1300 किलोमीटर एंड इट्स नैरो ईस्टवर्ड, तो ईस्टर्न साइड में ना अमेजोन का जो बेसिन है प्लेन है वो थोड़ा सा नैरो है, और वेस्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इतना ज्यादा ब्रॉड है, मतलब 1300 किलोमीटर इतना लंबा है, अगर आप ये देखो ये वाला, दिस मच ब्रॉड दी नॉर्थ साउथ वेस्ट वेस्ट साइड ऑफ दी दिस अमेजोन बेसिन विच इज द प्लेन, अमेजोन प्लेन भी बोलते हैं इसको, और ईस्ट साइड में अगर आप देखोगे तो काफी मतलब जो है पतला है, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट
इट्स विद दिस मिनिमम वेयर दी गुयाना हाईलैंड्स एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स कम क्लोजर. जैसे जैसे आप पास में आते हो तो इनका विड्थ जो है बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट. ओके नेक्स्ट. As this river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plains increases. Again, again इनका width जो है बेटा increase हो जाता है, right? There are mostly forested area and largely inaccessible due to the frequent flooding and dense under and dense undergrowth. तो बेटा ये जो पूरा part है Amazon plain का, ये बहुत ज़्यादा forested area है और inaccessible, उसको access करना भी बहुत मुश्किल है पूरी तरीके से. Yes, so most of the Amazon plains are covered by tropical forest. Okay, क्योंकि obviously वादा tropical region में आते हैं सारे, तो यहाँ पे पूरा tropical forest आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा देखने के लिए. The other plains in Brazil are located in the southwest part of the highlands. तो southwest part में बेटा जो हमारे plains है, they are called as what? Paraguay. That is on the river Paraguay and Parana, right? Okay. ये दो रिवर्स आपको दिख रहे बेटा, पैरागुए पैराना, जो कि लास्ट में बन जाते हैं हमारे. तो द सोर्स रीजन ऑफ पैरागुए स्लोप टुवर्ड द साउथ, वाइल द सोर्स रीजन ऑफ पैराना स्लोप टुवर्ड द साउथ वेस्ट. ध्यान देना बेटा, तो पैरागुए जो है, पैरागुए तो साउथ में ही फ्लो, आप देख सकते हो मेरे कर्सर को, ये साउथ में ही जा रहा है, पर जो पैराना है ये साउथ वेस्ट में जा रहा है, मतलब नीचे भी जा रहा है बट थोड़ा सा वेस्ट साइड में भी जा रहा है, इसलिए इसे साउथ वेस्ट बोलते हैं हम लोग, राइट. हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साउथ वेस्ट. ओके देन पैंटेनल्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड. ओके तो यहां पर पैंटेनल्स बन रहे, राइट. सो दैट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स एरिया. इन दिस रीजन ऑफ स्वैम्स इन द मार्शी इज नॉर्थवर्ड मोटो मोटोग्रोसो डो सोल इन ब्राजील एंड इट्स एक्सटेंडेड इनटू अर्जेंटीना टू. सो जस्ट लुक एट हियर, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आइलैंड ग्रुप्स. नाउ व्हाट आर द आइलैंड्स ग्रुप हियर, right, in the Brazil. So besides the mainland, some islands are also included in Brazil, right. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको हमने again classify किया into coastal island and marine islands. Okay, so islands in the Brazil are classified into coastal and marine islands. Now what are these coastal marine islands, just look here, these are the marine islands. Okay, and most of the coastal islands formed due to the deposition. So coast, याद रखो, तो जितने भी coastal islands हैं, right, Brazil में, they are formed by the depositional work, और जितने भी marine islands हैं, जो कि actually पानी के अंदर हैं. Coastal islands are those islands which are very near to the coastal areas, and maybe they are formed by the depositional work of the rivers. But जो marine island है, वो exactly, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें बेटा, हमारा लक्षद्वीप जो है, या अंडमान निकोबार है, they are the मरीन आइलैंड बेसिकली, बिकॉज वो कोई डिपोजिशनल वर्क से फॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है. पर अगर हम डेल्टा वगैरह की बात करें, अगर इन फ्यूचर वो भी एक आइलैंड की तरह बन जाता है, राइट, सो दैट व्हाट वी कॉल इज ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क. ओके यस, मरीन आइलैंड्स वेर द वेर अ पार्ट ऑफ द मेनलैंड, ऑब्वियसली बात है, दे आर मोर देन 3000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन द अटलांटिक ओशन. तो बेटा जो मरीन आइलैंड है, ध्यान सुनना बेटा, मरीन आइलैंड यहाँ पे बेटा 300 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से, इतने ज्यादा दूर दूर है, राइट. एंड दीज आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी एंड आर एंड दे आर द टॉप ऑफ द सबमर्ज माउंटेन. तो बेसिकली ये सारे रॉकी है, जैसे हमारा हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारा आइलैंड है, ये सारे रॉकी आइलैंड है, मतलब ये ऐसे मिट्टी नहीं है पूरा, ये रॉकी आइलैंड है, एंड दे आर द टॉप ऑफ द सबमर्ज माउंटेन. तो बेसिकली उनके नीचे पूरा माउंटेन है, वो माउंटेन का एक टॉप दिख रहा है आपको, जो कि आइलैंड की तरह यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, राइट. सर आपको क्या क्या लगता है फ्यूचर में इंजीनियरिंग में कोई स्कोप रहेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत डेवलप हो गया है सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. सी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कोप बेटा हर जगह रहेगा. आपका आफ्टर योर 10th एग्जाम ना, आई विल टेक अ करियर गाइडेंस लेक्चर, जिसमें आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है आपको, टेंशन मत लो, जस्ट फोकस योर ऑन योर बोर्ड एग्जाम राइट नाउ. ओके, विल ऑल्सो वर्क ऑन इट. यस, the islands near the coast of the South Atlantic oceans are coral islands and they are called coral atoll. Okay, now there are some question based on this. Again, इसको हम करते हैं skip और आ जाओ अब next part पे इसके physiography के. Okay.
फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज के नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अभी। ओपन नहीं हुआ क्या अभी तक? हो गया। ओके अब बेटा हम आ रहे हैं ड्रेनेज पार्ट में, ठीक है। अब हम आ रहे हैं बेटा ड्रेनेज पार्ट में, चलिए शुरू करते हैं फिर ड्रेनेज पार्ट को। तो एज लाइक ऑफ वी हैव डन द फिजियोग्राफी ऑफ द इंडियन ब्राजील, राइट। सो नाउ सिमिलरली विल वर्क फॉर द ड्रेनेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया में ड्रेनेज क्या है, एंड देन सिमिलरली विल वर्क फॉर द ड्रेनेज ऑफ द ब्राजील, राइट। ड्रेनेज मतलब बेसिकली क्या, मैपिंग नहीं बेटा, वो शाम को कर रहे होंगे हम लोग 7:30 बजे, मैंने आपको बता दिया है। मैप मार्किंग में शाम को 7:30 बजे पूरे चैप्टर का कराऊंगा स्टार्ट टू एंड, कोई बात नहीं। मैंने ग्राफ भी करा दूंगा, मैप मार्किंग भी करा दूंगा, मैप रीडिंग भी करवा दूंगा, ग्राफ रीडिंग भी करवा दूंगा, कोई टेंशन ना लो आप, ठीक है। एक पूरा सेशन लेके करा दूंगा, सारे स्लाइड्स पीपीटी रेडी है, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। दोस्तों आर न्यू टू चैनल, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन इनटू द हिमालयन पेनिनसुला रिवर्स, राइट। तो दो पार्ट में है, एक तो हिमालयन रिवर्स है और एक पेनिनसुला रिवर है जो हमारे पेनिनसुला रीजन के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज, ओके, देन पेनिनसुला रिवर्स, ओके। तो आप सबसे पहले हिमालयन ड्रेनेज पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालयंस हिमालयस आर ग्लेशियर्स, राइट। तो जितने भी मेजर रिवर्स हैं हमारे हिमालयस में, वो सारे क्या बेटे हमारे ग्लेशियर्स हैं, ओके। इन समर व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन समर, इसलिए आप देखे रहोगे बहुत टाइम बिहार वगैरह में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं बेटा, तो ये क्या होता है, जो नदियों के पानी है काफी ज्यादा इनका स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू, और मानसून रीजन में भी फ्लड होने के चांसेस होते हैं, ओके। दे आर पेरिनियल रिवर्स। नाउ व्हाट यू मीन बाय पेरिनियल रिवर्स बेटा, व्हाट यू मीन बाय पेरिनियल रिवर्स? वीडियो बहुत ज्यादा हमारी ब्लॉक हो रही है क्या? यस आई थिंक दैट की वीडियो बहुत ज्यादा हमारा ब्लॉक हो रहा है। ओके ओके पेरिनियल रिवर्स बताया मैंने बेटा। पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं? पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स जो थ्रू आउट द ईयर बहते ही रहते हैं, वो रिवर कभी सूखे नहीं पड़ते, उनको हम बोलते हैं क्या, पेरिनियल रिवर्स, ओके। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिनियल रिवर्स। इज इट क्लियर? ओके अब जो ड्रेनेज है इंडिया में, उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्कस किया बेटा। एक है हमारा ड्रेनेज ऑफ इंडिया, दैट इज माय हिमालयन रिवर्स। दूसरा हमारा बेटा कौन सा, पेनिनसुला रिवर्स, ओके। अब हिमालयन रिवर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, ध्यान दो, हिमालयन रिवर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? यस नाउ विच आर देयर इन विच आर विच ऑफ देम आर इन द हिमालयन रिवर्स? जस्ट अ सेकेंड बेटा लोग। हाँ जी यस सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज ऑफ इंडिया, दैट इज हिमालयन रिवर्स में, हम इंडस रिवर की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द रिवर इंडस? देखो इंडस रिवर जो है बेटा, दैट इज द आवर नथिंग बट रिवर सतलज जो हमने पढ़ रखा था। अब इंडस रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है विच आर पैरेलल टू द इंडस रिवर, यू कैन सी, राइट। सो सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दैट इज झेलम, चेनब, रवि, सतलज, ड्रेन टू ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयन, दैट इज। तो ये देखो, ये रिवर झेलम है, ये रिवर चेनब है, ये रिवर रवि है, और ये रिवर सतलज है। तो ये चार रिवर्स हैं विच आर फ्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर, एंड आफ्टर ऑल दे आर मर्जिंग टू द रिवर इंडस, राइट। फिर ये रिवर इंडस में मर्ज हो जाते हैं, और रिवर इंडस में मर्ज होके बेटा अगेन जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो हो रहे हैं सारे, राइट। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड पंजाब प्लेन्स हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज। जो भी हमारा पंजाब प्लेन बना हुआ है, ऑब्वियसली बात है पंजाब प्लेन का कुछ हिस्सा अभी पाकिस्तान में है हमारा, ठीक है, जो कि पहले पंजाब प्लेन में आता था। तो वो जो पार्ट है, वो डिपोजिशनल वर्क जो बन रखा है, वो इसी की वजह से बन रखा है, राइट।
सिंधु फ्लोस थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट इंदू द अरेबियन सी। तो पाकिस्तान से सिंधु होते हुए बेटा कहां पर जाके मिल जाती है बाद में, अरेबियन सी के अंदर। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके यस। रिवर गंगा की बात करें बेटा तो सबको पता है कि गंगा इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स राइट इनटू द हिमालय, दैट इज फॉर्मिंग माय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके सो मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एज फ्लो इन अ सिमिलर मैनर। तो वैसे गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी भी सिमिलर मैनर में फ्लो कर रही होती है, जैसे आप देख सकते हो रिवर गंधक, देन रिवर घाघरा एंड रिवर कोसई राइट। ऑल दीज आर द रिवर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। देन यमुना बिकम्स द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, देन दैट इज द यमुना। ओके तो यमुना इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड अगेन इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयन रीजन ओनली राइट। तो अनदर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा फ्लोस फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड अक्रॉस हिमालय टू एंटर्स इंडिया। ओके देन व्हेन इट फ्लोस थ्रू द हिमालय इट इज कॉल्ड। अब एक और ट्रिब्यूटरी है बेटा अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो रिवर आप देख रहे हो संगपो राइट, रिवर संगपो जो आप देख रहे हो टी साइलेंट बेटा, तो रिवर संगपो जो है दिस ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय। आपको मैंने बताया था हिमालय के जो रेंज होते हैं राइट, तो ग्रेटर हिमालय जो था हमारा वहां से स्टार्ट हो रहे हैं एंड क्रॉसिंग ध्यान पे ध्यान देना बेटा, व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालय इट इज कॉल्ड दिहंग। तो जब ये हिमालय को क्रॉस कर लेते हैं तो उसको दिहंग बोलते हैं। देखो आप जैसे ये इंडिया में एंटर हुआ है इसको दिहंग बोला जा रहा है राइट, दिहंग एंड इट्स ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। और वैसे ही जैसे ये ईस्टवर्ड फ्लो हो जाएगा अंदर इंडिया में आने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं फिर ब्रह्मपुत्र रिवर बुलाना शुरू कर देते राइट, देन इट बिकम द रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके ईस्टवर्ड फ्लो के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरी एंड हेंस डिस्चार्ज इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे गंगा रिवर ऊपर से नीचे आ रही है साथ में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आ रही हैं और जो टाइम टू टाइम इस ट्रिब्यूटरी को मीट कर रहे हैं राइट, एंड हेंस वी से दैट इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिस्चार्ज इंक्रीजेस, कि अल्टीमेटली जो भी बे ऑफ बंगाल में जो वाटर डिस्चार्ज होता है गंगा रिवर गंगा का, उसका क्वांटिटी जो है बेटा क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस। इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear everyone? Yes. Okay. Next. Ganga river, Ganga received Brahmaputra as its tributary in the lower reach in Bangladesh. Right? So Bangladesh में मिलते हैं बेटा ये as a tributary. आप देख सकते हो ये Bangladesh जो बीच का part है, river Ganga आ रहा है और river Brahmaputra जो आ रहे हैं ये दोनों Bangladesh में मिलते हैं as in their tributary. Okay. Yes. The huge volume of water and the huge deposition has led to the formation of large delta. देखो पहले बताया था मैंने यहाँ पर delta बन जाता है, right? Beside this, Himalayan river Ganga receive another tributary from the peninsula like Chambal, Ken, Betawa, and Son and the Damodar, etc. So these are the another river which are coming from the peninsula range. Next. We'll talk about the peninsula rivers, that is the western flowing rivers meeting Arabian Sea and the eastern flowing rivers meeting the Bay of Bengal. Okay, अब ये दो rivers की बात करेंगे बेटा। तो अभी peninsula rivers की बात करते हैं। तो western flowing rivers जो होते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, they form estuaries. Remember ना, western flowing rivers form estuaries and eastern flowing rivers form dash. बताओ क्या है आंसर? Western flowing rivers form estuaries and eastern flowing rivers generally form dash. वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करें बेटा तो वेस्टर्न फ्लोइंग वेस्टर्न घाट्स फॉर्म्स द मेजर वाटर डिवाइड्स इन द पेनिनसुला। तो जो वेस्टर्न घाट है हमारा राइट, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक पूरा, तो जो वेस्टर्न घाट से पूरा बेटा हमारा ये पेनिनसुला को मेजरली दो वाटर बॉडी में डिवाइड करता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। द पेनिनसुला रिवर बींग रेन फीड रिवर्स सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड दे आर सीजनल इन नेचर। तो जनरली जितने भी पेनिनसुला में रिवर्स हैं मोस्टली यहाँ पर रिवर्स पेनिनसुलर जो है सीजनल रिवर्स होते हैं, क्योंकि ओशन रेनफॉल के टाइम पे वो भर जाते हैं, मतलब उनमें पानी होता है, अदरवाइज बाकी टाइम पे वो सूखे पड़ जाते हैं राइट। यस वेरी गुड, दे फॉर्म डेल्टास। यस तो आप अभी फिगर में देख सकते हो बेटा जो ग्रीन पार्ट है हमारा पूरा दैट इज द नथिंग बट द ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न घाट जो है वो रिवर जो फ्लो हो रहे हैं। आप देखो बहुत छोटा छोटा स्पेस मिल रहा है उन रिवर्स को राइट,
तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन कोस्ट लाइन्स आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट. शॉर्ट इन लेंथ होते हैं वो स्विफ्ट बनाते हैं, स्विफ्ट मतलब फटाक से निकल जाते हैं, राइट. दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर्स सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात. ओके, तो इन सब जगह पे आपको ये स्विफ्ट देखने मिल जाएगा. देन further northward and one comes across the river system flowing into the gulf of, देखो ये जो gulf of khambat है ना बेटा, तो ये वो जो red part आपको दिख रहा है ना, गुजरात में नीचे जो red part दिख रहा है, that what the call as gulf of khambat, remember it, right. those who are new to channel बेटा, channel को subscribe करके जाना सब लोग, right. these river systems यहाँ पे कौन कौन से river system बेटा जो gulf of khambat में जा रहे होते हैं, right. remember तो आपके रिवर है यहाँ पर बेटा नर्मदा, माही एंड साबरमती. तो साबरमती तो सुना भी, बहुत लोग जो गुजरात से होते हैं बेटा, रिवर साबरमती ने तो आपने देखा रहेगा, ये सुंदरलाल को तारक मेहता में जो रिवर साबरमती में दिखता है आपको कई बार, राइट, बोटिंग करते हुए देखा आपने तारक मेहता कॉलेज में. तो सुंदरलाल कई बार जब अपनी बहन से बात करता तो साबरमती रिवर में बैठा होता है ना. यस, तो तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैली, तो दे आर क्रिएटिंग द रिफ्ट वैली, वहां से फ्लो हो रहे हैं. माही रिवर फ्लो फ्रॉम, देखो माही रिवर कहाँ से फ्लो रहा है, ध्यान देना बड़ा, फ्लोस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेयर एज रिवर साबरमती कलेक्ट इट्स हेडवर्ड फ्रॉम द सदर्न पोल्स ऑफ अरावली रीजन, फ्लोज इन सम वाटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो देखो ये सारे रिवर फ्लो हो रहे हैं, राइट. अनदर नॉर्वे रिवर्स फ्लोइंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी इन द रिवर लूनी, राइट. गल्फ ऑफ कच्छ में जाके बेटा ये सारे मीट होते हैं. तो इट्स ओरिजिनेट अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली रेंज, तो अरावली रेंज के वेस्टर्न स्लोप से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, एंड नॉर्थन ईस्टर्न डायरेक्शन फ्लो इन द गल्फ ऑफ कच्छ. फिर बात करते हैं बेटा रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, ये तो वेस्टर्न पार्ट का हो गया. अभी ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से रिवर फ्लो कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एरियाज इन द पेनिनसुला आर ड्रेन्ड बाय द रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. तो मैक्सिमम रिवर्स बे ऑफ बंगाल में आते हैं, वेस्ट साइड में बहुत कम है. द इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. तो आपको ये जो दिख रहे हैं तीन नदी, ये बेटा सबसे बड़ी नदियाँ हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट में. कौन कौन से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, राइट, दीज आर दी ग्रेटेस्ट पार्ट. महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज दी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, तो महानदी जो है हमारे पेनिनसुला का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, राइट, ऊपर के साइड में. गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन दी ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट. तो याद रखना बेटा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से जो तीन नदियां निकल रही हैं वो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है. तो दीज आर दी थ्री रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट, और महानदी नदी जो था वेस्टर्न घाट से नहीं निकल रहा है हमारा, दैट इज इन दी, ध्यान से देखना बेटा, जो हमारा महानदी है, महानदी ऑक्यूपाई द बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट इन द पेनिनसुला, वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला है, ठीक है. एंड ये तीनों हमारे वेस्टर्न घाट से निकल रहे हैं, ओके. अब गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, इन रिवर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया, राइट. तो आफ्टर गंगा विच इज द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रिवर, दैट इज द गोदावरी. यस, इज इट क्लियर एवरीवन? तो गोदावरी इज द ग्रेटेस्ट रिवर आफ्टर द रिवर गंगा. द साउथ ऑफ द गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा, राइट. तो साउथ साइड में रिवर कृष्णा भी है, राइट. इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा. आपने सुना होगा, आप भीमा और तुंगभद्रा, ये दो अलग रिवर्स है बेटा जो उसके ट्रिब्यूटरीज बनते हैं. किसके ट्रिब्यूटरीज बनते हैं? रिवर कृष्णा के. तो रिवर कृष्णा के दीज आर द टू ट्रिब्यूटरीज विच कम एंड ज्वाइन टू द रिवर कृष्णा, ओके. यस, दोस्तों आर न्यू टू चैनल, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. या रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू दी स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. अभी कावेरी जो है कर्नाटका और तमिलनाडु से होते हुए जा रहा है बेटा हमारा, राइट. एंड इन इट इज दी वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला. पेनिनसुला का ये भी एक मेजर रिवर है. इट इज द रिवर दैट हैज बीन हैरेस्ड फॉर इरीगेशन सिंस हार्नेस्ड फॉर इरीगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम. तो रिवर कावेरी जो है इसके वाटर मैक्सिमम जो बेटा जो है यूज होते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए इन द फील्ड, राइट, खेतों में इरिगेशन पर्पस के लिए इनको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, राइट.
सो फार एज द ड्रेनेज इन ब्राजील इज कलेक्टेड, देर आर थ्री मेजर रिवर्स इन, अभी अब बेटा हो गया, अभी इंडिया का खत्म हो गया, आ रहे हैं ब्राजील पे। तो इंडिया में हमने जो रिवर सिस्टम देखे बेटा, एक तो हिमालयन था, दूसरा पेनिनसुला था। हिमालय में मेजर हमारा कौन सा था? रिवर गंगा। एंड रिवर गंगा हैज इट्स ट्रिब्यूटरी राइट, जैसे रिवर हमारा जो था यमुना, और उसके बाद जो ऊपर से गया था हमारा रिवर, दैट इज माई रिवर ब्रह्मपुत्र, एंड दे आर मीटिंग इन दी वे ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद हमने पेनिनसुला रिवर की बात करी, एक वेस्ट फ्लोइंग था, एक ईस्ट फ्लोइंग था राइट। ओके, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग में कौन कौन से रिवर थे बेटा हमारे मेजरली, जो अभी हमने डिस्कस किए, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी राइट। ये चार नदी आपको याद रखने हैं। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर? यस, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर? आंसर मी, कम ऑन, आफ्टर गंगा विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया? कम ऑन, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया इन इंडिया? तो अमेजोन बेसिन, पैरागुआ, पैरागुआ, पैराना एंड साओ फ्रांसिस्को राइट। तो ये तीन रिवर सिस्टम ही हमें करना है, याद रखो बेटा। कौन कौन से तीन रिवर सिस्टम करने हैं हमें ब्राजील के अंदर ड्रेनेज में? अमेजॉन बेसिन, पैरागुए, पैराना एंड साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा रिवर अमेजॉन है जो आप ऊपर देख रहे हो, और ये मेरे पीछे भी जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, पूरा हमारा रिवर अमेजॉन है। तो अब ये अमेजॉन बेसिन करने जा रहे हैं हम लोग। अमेजॉन कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द एंडीज माउंटेन इन पेरू। तो आप देखो बेटा, ये जो एंडीज माउंटेन है, दिख रहा है आपको ये एंडीज माउंटेन, ये देखो ये जो ऑरेंज वाला है ना, एंडीज माउंटेन पेरू में राइट। तो यहाँ से उसका हेड है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो जहाँ से क्या हो रहा है बेटा, शुरू हो रहा है। रिवर अमेजॉन रिसीव ह्यूज डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है इसका, रिवर गंगा में वाली भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस दिस इज अबाउट 2 लाख पर मीटर क्यूब राइट। ध्यान देना बेटा, 2 लाख मीटर क्यूब का डिस्चार्ज है यहाँ पर, 2 लाख मीटर क्यूब का। एज अ रिजल्ट अमेजॉन वॉश ऑफ दी लोड सप्लाइड टू इट फ्रॉम दी कैचमेंट। कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन इट एट इट्स माउथ। तो इसके भी माउथ पे कोई डिपोजिशनल वर्क नहीं होता है। अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज विच इज कैरेक्टराइज फर्दर ऑफ रिवर माउथ एंड इज बाई लार्ज एब्सेंस इन द माउथ ओरिजिन ऑफ अमेजॉन। ठीक है, इसके भी बहुत सारे बेटा ट्रिब्यूटरीज है। Instead, we find a series of islands developed along the mouth of Amazon beyond the coastlines in the Atlantic Ocean. तो Atlantic Ocean में जाने के पहले बहुत सारे इसके क्या हो गए बेटा, islands develop हो चुके हैं इसके across. It will be interesting to note that the mouth of the width of Amazon channel is 150 किलोमीटर। Just imagine बेटा, 150 किलोमीटर सिर्फ इसका माउथ है जो वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है। जस्ट इमेजिन, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर मतलब आपको मैं बता दूं बेटा कितना हो जाएगा, लगभग मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से पुणे, आई थिंक पुणे नहीं लेते, या पुणे लेते हैं, पुणे से थोड़ा पहले, पुणे आई थिंक 300 किलोमीटर हो जाएगा राइट, उसके थोड़ा पहले। तो इतना ज़्यादा बेटा ये जो है, मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजॉन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए यूज करें उसको हम लोग। फिर पैरागुए, पैराना की बात कर ले बेटा, तो दीज टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील, एंड पैरागुए इज साउथ फ्लोइंग एंड पैराना इज द साउथ वेस्ट फ्लोइंग, एंड बोथ हैव अ कैचमेंट एरिया फॉर इन द रिवर ऑफ अर्जेंटीना में राइट। तो दीज टू रिवर्स एंड रिवर्स यूरोगे इज एक्सटेंडेड साउथ इन द हाईलैंड, कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ हाईलैंड राइट। सैन फ्रांसिस्को रिवर की बात करें बेटा, इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर इन द ब्राजील। बेटा ये सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि लोग ज़्यादा ये सैन फ्रांसिस्को के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, तो देयर एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन ब्राजील। ओके, इट्स ऑक्यूपाई द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स। तो वो पूरा ईस्टर्न पोस्ट जो हाईलैंड्स का वो ऑक्यूपाई कर रखा है। द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेटू। तो बेटा लगभग जो है ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्लेटू पे, एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न्स टू एंश्योर द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशन। एक शार्प टर्न लेता है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर एक शार्प टर्न लेता है ये रिवर, एंड सीधा जाके कहाँ पे जाता है, अटलांटिक ओशन के अंदर। द रिवर इज नेविगेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउन स्ट्रीम रीच। कोस्टल रिवर्स की बात करें बेटा, जो कोस्टल साइड में है, तो रिवर्स हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स। द कोस्टल रिवर्स बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड, दीज रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंट
एंड रिवर, यहाँ पे आप देखो जो नाम ले रहे हैं रिवर के, रिवर पारानीबा एंड रिवर एतापेक्कुरू फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट? दिस रिवर दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम द एस्कार्पमेंट। तो इनको बेटा अपना एस्कार्पमेंट से जो है वाटर मिल जाता है। फिर रिवर का नाम है कोरोगोचो, एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर नियर सेल्वाडोर टाउन। ओके, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है एंड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हमारा जो था थर्ड पार्ट, नहीं आई थिंक ये हो गया, तो पार्ट वन ही है ना हमारा, ड्रेनेज एंड ऑल। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट का वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको एक, ठीक है, कि हमारे कॉन्टिनेंट बनते कैसे हैं। वॉइस आएगी कि नहीं आपको मैं देखता हूँ, लेट्स सी, या फिर कुछ करता हूँ। The earth is made up of The earth is made up of three layers, core, mantle and crust. The core is the hottest part of the earth, how islands are and because of the heat present here, the rocks surrounding the core gets superheated. They then start rising up in the mantle towards the crust. But see, rocks जो है बेटा वो सुपर हीट हो जाते हैं इनसाइड कोर एंड वो फिर ऊपर की तरफ आते हैं, राइट? जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। As they are rising up, they cool down and spread horizontally and start moving back to the core to be heated again. These are called as convectional currents, also referred to as tectonic movements of the earth. They are also called because of the continuous तो अर्थ का जो अपर लेयर का जो मूवमेंट होता है टेक्टोनिक मूवमेंट, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशनल करंट, मूवमेंट ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स। द अर्थ्स क्रस्ट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, दीज पीसेस कीप फ्लोटिंग ओवर द मेंटल, दे आर सी हमारा जो अर्थ था ना बेटा, अभी जैसे एक साथ में, पहले ऐसे नहीं था, पहले ये अलग अलग था और ये ना ऐसे मूविंग था पूरा, ठीक है? अर्थ का जो ऊपर का पार्ट है मतलब कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते थे हम लोग। अब ये फॉर्म कैसे होगा, जैसे अर्लियर ऑल द मेजर लैंड मासेस वर टुगेदर एज अ सिंगल लैंड मास एंड कॉल्ड एज पांजिया। अब बेटा याद रखना पांजिया, व्हाट इज पांजिया, तो ये जो पूरा लैंड मास है पूरे अर्थ के ऊपर ना बेटा, पहले वो पूरा लैंड मास एक ही साथ कनेक्टेड था, एक ही साथ कनेक्टेड था, जिनको हमने क्या बोला पांजिया, द ग्लोबल सुपर कॉन्टिनेंट। Global supercontinent. About 250 to 300 million years ago, due to the convectional currents, Pangaea probably split into two parts. So because of the convectional current, this Pangaea splits into two parts, jo upar north mein gaya, the northern Laurasia and southern Gondwana land. These were upar wala is Laurasia and niche wala is Gondwana. So after the conventional current, they get split up into two parts, Laurasia and Gondwana land. Okay, remember this. Separated by the Sea of Tethys. Laurasia, which was in the northern hemisphere, further broke down into Eurasia and North America. Now see, again they broke down. So upar jo Laurasia tha, do part mein break ho gaya, Eurasia and Northern America. Similarly, Gondwana land, which was in the southern hemisphere, also broke into South America, Africa, India, Antarctica, and Australia. Over a period of time, the different plates of Laurasia and Gondwana land drifted apart from each other. After being separated from the Gondwana land, the Indo-Australian plate drifted towards the north. Geologically, the peninsular plateau region of India is a part of this Indo-Australian plate.
which broke and drifted. Now see the peninsula part of India का जो peninsula part है जो आज हमने देखा बेटा, तो peninsula part जो था पहले वो इसका Gondwana land का part था. Now it was not a part. हमारा जो पूरा complete India है ना बेटा, ध्यान देना, complete India में जो ये पहला जो initial peninsula वाला part है वो यहाँ से निकला हमारा southern side से. Drifted away from the southern Gondwana land towards the much larger Eurasian plate in the north, and therefore the peninsular plateau is one of the ancient and the most stable landmasses of the earth's surface. The Sea of Tethys, present between the Eurasian plate and Indo-Australian plate, was filled with marine sediments. The northward drift resulted in the collision of both the plates. Due to this collision, the sediments which were at the bottom of the Sea of Tethys were uplifted and folded to form the Himalayan mountains. See how the Himalayan mountains are formed, right? Due to the impact of the collision, a depression was formed between the Himalayan mountains and the Indian Peninsular Plateau. This depression was gradually filled with sediments deposited by the rivers flowing from the Himalayas in the north and Peninsular Plateau in the south, leading to the formation of the North Indian Plains. That is why India is mainly composed of three geological unit: the Himalayan Mountain, the Indo-Gangetic Plains, and the Peninsular Plateau. Thus, a long geological process resulted in the present physical structure of India. So yes, this is how the India is formed. I hope that this chapter is clear to everyone, beta. Milte hain next class ke andar. And shaam ko beta hum milenge aur shaam ko hum kar rahe honge kya? Jaisa ki maine aapko bataya, map mark.